फ्रेंड्स, मेरी क्रिसमस फ्रॉम मी शेफ शिप्रा खन्ना एंड शिप्रास किचन। मेरी क्रिसमस फ्रेंड्स, क्रिसमस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब क्रिसमस आता है और न्यू ईयर आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको काफ़ी सारी बेकिंग करने को मिलती है, काफ़ी सारी डिजर्ट्स बनाने को मिलती हैं, एंड ऑफ कोर्स यू गेट टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइक एनी अदर फेस्टिवल। फेस्टिव मौके हमेशा अच्छे लगते हैं और तब हमारा मीठा खाने का मन करता है, एटलीस्ट मेरा खाने का मन करता है, और इसीलिए मैं इस क्रिसमस में आपके लिए लेकर आई हूँ सांता क्लॉज की तरह मैनी 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 गिफ्ट्स, ऐसी रेसिपीज जो आप अपनी क्रिसमस पार्टी पे बना सकते हैं। और जो रेसिपी मैं अब बनाने जा रही हूँ उसका नाम है रवा केक। बट जो स्पेशलिटी है इस केक की वो ये है कि इसके लिए आपको ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? आपके घर पे बिजली हो या नहीं हो, ओवन हो या नहीं हो, दिस केक इज गोइंग टू बी अ सुपर हिट। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये हमारा नो बेक रवा केक। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ सूजी यानी कि सेमोलिना। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दूध, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही में इसके अंदर जाएगा ऑलिव ऑयल, सिनेमन पाउडर और शुगर, ये पिसी हुई चीनी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर पीनट ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सिनेमन आपको लगता है और डालना है तो और भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि जो सूजी है वो लिक्विड सोक कर ले, क्योंकि सूजी यानी कि सेमोलिना एकदम ड्राई होती है और ड्राई होने की वजह से काफ़ी मॉइस्चर खींचती है। और केक आपको तो पता ही होगा, अगर मॉइस्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता। ड्राई केक इज़ नो फन टू ईट, राइट? और फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं और सबसे पहले जाएगा इसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और चॉकलेट चिप्स। अच्छे से डालिए ताकि केक अच्छा सा बन सके। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो सोडा है और बेकिंग पाउडर है वो इसको अच्छे से फ्लफी बनने में हेल्प करेगा। अब ये हमारा बेसिक बैटर तैयार हो गया है और अब मैं गैस गर्म कर रही हूँ और इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है मैंने। और ये जो बैटर हमने तैयार करा है ये जाएगा इस कढ़ाई के अंदर। और इसको अब हम ढक के रख देंगे, एकदम धीमी आंच पे पकाएंगे ये रवा केक का। देखते हैं क्या हाल है। ओह वाओ, इट लुक्स रियली नाइस। अब मैं इसको ठंडा होने पर प्लेट में पलट दूंगी। एकदम लाइट है, फ्लफी है और जो चॉकलेट चिप्स हैं दे आर रियली एडिंग अ लॉट ऑफ फ्लेवर टू दिस केक। आई रियली लाइक इट। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, डू सब्सक्राइब टू शिप्रास किचन।